सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में कुछ इस तरह का फूड रीडिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो। एंड अगर आप भी कुछ इस तरह का फूड रीडिंग करना चाहते हो गाइस, तो इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर बात करना गाइज। एंड रीडिंग के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए गाइज, तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में अपना आईडी दे दिया हूँ। तो सिंपली गाइज, इसके बाद वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा नॉर्मल फ़ोटो गाइज, तो नॉर्मल फ़ोटो को आप लोग को भी सिंपली शेयर कर लेना गाइज लेटर एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं यहाँ लेटर एप्लीकेशन के अंदर फ़ोटो शेयर कर लेता हूँ एंड ऊपर से स्क्रॉल कर लेता हूँ गाइज। यहाँ से देख सकते हो इम्पोर्टेड फिनिश, तो लेटर पे क्लिक कर दिया एंड यहाँ से देख सकते हो ये मेरा फ़ोटो था जो शेयर किया था। तो सिंपली गाइज, उसके बाद आपको यहाँ से ध्यान से देखना फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको लाइट्स में आ जाना, यहाँ से शैडो को बढ़ा लेना लगभग 85 एंड ब्लैक्स को कम रखना गाइस 23 एंड वाइट्स को पूरा कम रखेंगे 100 एंड हाइलाइट्स को हल्का बढ़ा लेंगे 16 एंड कंट्रास्ट को हल्का कम रखेंगे फ्रेंड्स 14 कर लेंगे माइनस एंड एक्सपोजर को हल्का से बढ़ा लेंगे फ्रेंड्स लगभग 21 के आसपास। उसका सिंपली गाइस कलर में आ जाना है एंड यहां से टेम्परेचर को हल्का से माइनस रखेंगे लगभग 11 एंड टेंट को भी हल्का माइनस रखेंगे फ्रेंड्स 11 एंड वाइब्रेंस को हल्का बढ़ा लेंगे एंड सेचुरेशन को भी हल्का बढ़ा लेंगे। उसका सिंपली फ्रेंड्स मिक्स में आ जाना है, यहाँ से ग्रीन का सेलेक्ट करके इसका सेचुरेशन हल्का बढ़ा लेंगे एंड इसका ही भी हल्का बढ़ा लेंगे। सॉरी गाइस, यहाँ से सेचुरेशन हल्का कम ही रखेंगे ग्रीन का, जैसा आपको अच्छा लगेगा जो ऐसा रख लेना एंड यहाँ से सेचुरेशन इसका कम रखेंगे एंड इसका ही यू पूरा बढ़ा लेंगे एंड ग्रीन का गाइज यहाँ से सेचुरेशन भी हल्का बढ़ा लेंगे लगभग। एंड सिंपली गाइज ब्लू में आ जाना, इसका सेचुरेशन बढ़ा लेना हल्का लगभग 60 के आसपास कर लेना। उसका ऑरेंज को सेलेक्ट करके इसका सेचुरेशन कम करके इसका ल्यूमिनस बढ़ा लेंगे। उसका रेड में आ जाना गाइज एंड इसका सेचुरेशन बढ़ा लेंगे हल्का एंड ल्यूमिनस को हल्का कम रखेंगे एंड उसके बाद गाइज यहाँ से डन कर देना है। उसके बाद आ जाना गाइज इफेक्ट्स में, इसका टेक्सचर हल्का बढ़ा लेंगे एंड क्लैरिटी को हल्का कम रखेंगे फ्रेंड्स, डीएच को भी हल्का कम रखेंगे एंड भिगनेट को भी हल्का कम रखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स मिड पॉइंट को भी कम रखना है। उसके बाद सिंपली का यहाँ साधना डिटेल्स में शार्पनिंग से बढ़ा लेंगे, डिटेल्स को पूरा बढ़ा लेंगे, नॉइज रिडक्शन को भी पूरा बढ़ा लेंगे। उसके बाद सिंपली फ्रेंड्स कलर नॉइज रिडक्शन को भी पूरा बढ़ा लेंगे। उसके बाद स्मूथनेस को पूरा बढ़ा लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आ जाना है कलर में फिर से ऊपर, यहाँ पे मिक्स के बगल में ग्रेडिंग दिख रहा होगा, ग्रेडिंग पे आ जाना गाइस एंड यहाँ से देख सकते हो तो नीचे साइडो सिलेक्ट किया हुआ है एंड इसे गाइस हल्का इधर घुमा के यहाँ पे रख देना है। यू आपको 116 रखना गाइस एंड सेचुरेशन 19। उसके नीचे आकर फ्रेंड यहाँ से बैलेंस को हल्का बढ़ा लेंगे एंड ब्लेंडिंग को हल्का कम रखेंगे गाइस। उसके बाद सिंपली यहाँ से हमारा फ़ोटो लगभग हो गया गाइज। उसके बाद ले चलेंगे सेव करके फ़ोटो को रेवन्यू एप्लीकेशन के अंदर। दोस्तों इस फ़ोटो को मैं रेवन्यू एप्लीकेशन के अंदर फ़ोटो को शेयर कर लेता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग को भी कर लेना। यहाँ पे मैं देख सकते हो रेवन्यू एप्लीकेशन के अंदर फ़ोटो को शेयर कर लिया, तो यहाँ पर लगभग लोडिंग लेगा। आप लोग को भी इन्हेंस कर देना है तो ऐड आएगा, ऐड को देख लेना। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने रेवन्यू को चला दिया गाइस, यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल। एंड आप लोग को ऊपर एरो का निशान दिख रहा होगा एंड यहाँ सेव कर लेना, यहाँ पे भी ऐड आएगा तो देख लेना। यहाँ पे रेवन्यू में जो मैं चलाया था गाइस, उसके बाद फ़ोटो को ले चलना ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर, मतलब स्केच बुक में यहाँ पे। तो सिंपली गाइस यहाँ पे मैं इसका डिस्कार्ड कर देता हूँ ये वाला एंड आपको पेंसिल ब्रश में आ जाना है एंड यहाँ से गाइज आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है येलो ब्रश गाइज स्मज का एंड फ्लो आपको 6 रखना है एंड स्ट्रेंथ 9। उसके बाद फोटो को जूम करके एंड साइज को हल्का कम कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा था एंड कुछ इस टाइप का फोटो को स्मूथ कर लेना अच्छे तरीके से यहाँ पे। तो अगर आप भी स्मूथ कर रहे होंगे गाइस साथ में, तो आप लोग को भी अच्छे से स्मूथ होता होगा फोटो। तो सिंपली गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। यहाँ पे आप अपने फ़ोटो को स्मूथ कर लेना अच्छे तरीके से
एंड मैं आपको बताता हूँ गाइस हल्का कि कैसे आप लोग लिप कलर करोगे। यहाँ पे मैं हल्का सा पॉज कर देता हूँ गाइस, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे स्मूथ किया गाइस, लगभग आपको पूरा कर लेना है। एंड प्लस वाला लेयर पे क्लिक कर देना गाइस, एंड यहाँ से प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देना, एंड इस बॉक्स में क्लिक करके नॉर्मल दिख रहा होगा, नॉर्मल क्लिक करके सॉफ्ट लाइट दिख रहा होगा आप लोगों को, और सॉफ्ट लाइट कर लेना, एंड कलर्स वाला ऑप्शन में आ जाना, एंड यहाँ से ऑरेंज सेलेक्ट रहने देना गाइज। अगर आप लोगों में अलग कलर होगा गाइज तो यहाँ पे इसे हिला के कर सकते हो, एंड ऑरेंज में कर लेता हूँ। एंड आप लोगों को येलो वाला सिलेक्ट कर लेना गाइज ट्रेडिशनल का, यहाँ से उसके बाद इसे जूम करके, सॉरी गाइज, यहाँ से इस तरह से चला देना लिप कलर के लिए। तो सिंपली गाइज यहाँ पे देख सकते हो कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो आप लोग इस लेयर पर क्लिक करके इसे इस टाइप का कर लेना, जितना आपको रखना है गाइज उतना आपको रख लेना। तो मैं इतना रखने वाला हूँ 35 के आसपास, एंड यहाँ से हल्का सा नहीं हुआ था गाइज तो कर लेना है। तो सिंपली गाइज उसके बाद आपको फोटो को पूरा स्मूथ कर लेना गाइज, मैं यहाँ पे हल्का ही करके बता दिया हूँ। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।